हायर एजुकेशन को लेकर सरकार चाहे कितने भी दावे करे या कितनी भी पॉलिसी बना ले, लेकिन धरातल पर स्थिति बहुत खराब है। गोहाना पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बुधवार को सरकार व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उनका सिलेबस पूरा कब होगा, अभी तक तो किताबें खुली भी नहीं है। साइंस विभाग केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, गणित केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर पिछले लंबे समय से नहीं है, ऐसे में वो कब पढ़ाई करेंगे। गुस्साई छात्राओं ने बताया कि इतना ही नहीं, अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका रजिस्ट्रेशन किस वीवी के साथ है। गौरतलब है कि कई गर्ल्स कॉलेज को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसे में सभी गर्ल्स कॉलेज में ये समस्या है। तीसरी मांग, छात्राओं ने अपने विभाग में बिजली पानी की रखी। छात्राओं ने कहा कि यहाँ कॉलेज में रहने के लिए ना बिजली है ना पानी, और पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं, ऐसे में हमारा भविष्य अंधकार में जाता हुआ लग रहा है। वो सरकार से मांग करती हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और समय रहते कॉलेज में शिक्षक भेजे। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोहाना वुमेन से बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पिछले दो महीने से कोई भी मैथ्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर और फिजिक्स टीचर नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमारा सिलेबस पूरा करने में दिक्कत आ रही है। और जब तक हमारा सिलेबस नहीं होगा हम एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। अब तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं पता चला कि हम MDU के अंडर है या खानपुर यूनिवर्सिटी के अंडर है। इस वजह से हमारी मैनेजमेंट नहीं बन पा रही है, और हमारे दो कुछ बुक्स तो ऐसी है जिनको हमने अब तक टच भी नहीं किया, और अब अगर हम उनको कुछ करेंगे तो एग्ज़ाम्स में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। अब एग्ज़ाम्स में तो हम ये लिख नहीं सकते कि हमारे पास टीचर नहीं है। टीचर तो वो यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पेपर ही चेक करेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। वो तो हमारी बस जो हमने लिखा है वही देख सकेगी, लेकिन हमारे पास टीचर ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। हमारी समस्याओं का समाधान पिछले दो महीने से नहीं हो पा रहा है। हम हर 10 दिन के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, मैम से बात करते हैं, मैम कहते हैं कि हम 10 दिन और वेट करो या फिर मैं कुछ करती हूँ, लेकिन ऊपर से कोई भी पॉलिटिकल दबाव नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं है जो हमारे बारे में सोच रहा हो। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हमारे बारे में। हमें इस बारे में जब कॉलेज बताया छात्राओं की समस्याओं से और शिक्षक से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसके लिए हायर एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका को लेकर बात हुई। जल्द ही शिक्षक को जीएस खानपुर के हैं ये, और इनके बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली पानी के लेकर भी बहुत समस्याएं हैं। तो टीचर तो है ही नहीं, तो आगे नवंबर में पेपर तो कैसे है, अपना कोर्स पूरा करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ और बार बार यूनिवर्सिटी जो है खानपुर यूनिवर्सिटी से भी संपर्क में हूँ कि इस समस्या का समाधान जो है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जिससे बच्चे जो हैं उनकी जो अभी तक क्लासेस नहीं लग पाई वो भी, क्योंकि सिलेबस जो है उसकी भी एक सबसे बड़ी समस्या है। और जो वाइस चांसलर के PA हैं वो भी मतलब आश्वासन दे रहे हैं कि भी हम करेंगे समाधान जल्दी से जल्दी, और उसी हिसाब से बच्चों की जो क्लासेस का है बार बार डायरेक्टरेट से हम संपर्क कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भी कोई पॉलिसी वो बना रहे हैं, उस पॉलिसी के तहत जो है वो टीचर भेजे जाएंगे। और कोशिश प्रयत्न है मेरा अपनी तरफ से कि मैं इनकी जो भी समस्या है वो चाहे आपके माध्यम से है या किसी उसके माध्यम से है, कि जितना जल्दी सॉल्यूशन अगर हो सके जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए निरंतर प्रयास जो है जारी है। और बिजली पानी जो है वो समय समय पर उसकी जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान किया जाए।
K9 मीडिया के लिए गोहाना से राजेंद्र कुमार की।